जय हिंद दोस्तों अनिल सर आई टी यूट्यूब चैनल आपसे का बहुत बहुत साथ है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई पास आउट कहेंट के लिए छत्तीस सौ बारह पोस्ट तो अप्रेंटिसिप निकल के आए थे दोस्तों जिसका फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटिवेशन शुरू हो चुका है कई सारे यूनिट का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है जैसे कि देखें तो भावनगर पारा का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है इधर ये तो अभी दा, दाहौड़ का डेली किसी न किसी का मैसेज आ रहा है मेल के माध्यम से बताया जा रहा है फाइनली आज डी ऑफिस से मुंबई सेंट्रल का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो चुका है और आज से इसका एस एस के माध्यम से इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी गई है अगर आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट वेस्टर्न रेलवे डीआरएम ऑफिस मुंबई सेंट्रल के लिए अप्लाई किए थे तो वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा अभी देखा तो कई सारे अप्रेंटिसिप की मेरिट लिस्ट आई हुई है कई सारे मेरिट लिस्ट की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए आपको मिलते रहे दोस्तों देखिए तो स्कॉलरशिप है भी ये है बीएसएफ का हेड कांस्टेबल एलएनटी का रिक्रूटमेंट बीएलओल बनारस का अप्रेंटिसिप का मेडलिस्ट इस तरह से कई सारे अप्रेंटिसिप के लिस्ट रिजल्ट्स आपको चैनल पे अपलोड है तो उसको देख लीजिए फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इसके डीआरएम ऑफिस मुंबई सेंटर का देखिए डीआरएम ऑफिस मुंबई सेंट्रल का वेस्टर्न रेलवे का ही एक पार्ट है ये सेंट्रल रेलवे मुंबई नहीं है ये मुंबई सेंट्रल डीआरएम ऑफिस जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है दोस्तों इस इसमें छब्बीस मई को फॉर्म भरे गए थे छब्बीस मई दो को वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म भरा गया था उसी का बारह सितंबर दो को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है डी ऑफिस मुंबई सेंट्रल में जो भी कहेंट को इस तरह से मैसेज आया तो उनको जाना है क्या क्या लेकर जाना तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे दे रखें आप करियर ऑप्शन पे आइए तो यहाँ पे देखें

र एम ऑफिस मुंबई सेंट्रल के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको एस एम एस आएगा मोबाइल पर एस एम एस के माध्यम से बताया जाए देखिए आज ही साढ़े चार बजे एस एम एस आया है को छब्बीस मई वाला और बहुत सारे कैंडिडेट जो है पिछली बार फॉर्म का मतलब कुछ दिन पहले लगभग मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे उनका भी अभी कोई ज्वाइनिंग का कोई मैसेज नहीं आया आप अगर आपको डिले होता है तो आप एक बार डीआरएम ऑफिस जा करके बात कर सकते हैं ठीक है अभी बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट अभी रुका हुआ है जैसे बिलासपुर का, का है एनएफआर का है एनसीआर प्रयागराज का है ईस्टर्न रेलवे का है आपको तो सब जानकारी है लेकिन जैसे कोई मेरिट लिस्ट आता है हम आपको अपडेट करते हैं बस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए अनिल सर आई टी चैनल अपना तैयारी कर लीजिए डॉक्यूमेंट का जो भी कैंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नीचे कमेंट करके अपना अपना परसेंटेज अपना ट्रेड और अपना कास्ट से तीनों ने कमेंट करना मत भूलेगा जिससे क्या होगा जो भी क्या कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में देख लें तो उनको पता चलेगा कि कितने कट ऑफ गई हुई है हालांकि मैंने आरटीए किया हुआ है इसमें आने में पंद्रह दिन एक महीना डेढ़ महीना भी लग जाता है कभी पिछला बार तो एक महीना बीस से पच्चीस दिन के बाद आया था मैंने आर किया फिर उसके बाद आ, नहीं कोई रिप्लाई आया तो अपील किए तब वहाँ से आया ठीक है तो, आ, तो हम अपडेट करते रहेंगे कोई भी अपडेट आता है तो चैनल पे आप रेगुलर एक बार विजिट करते रहिए न्यूज आई चैनल पर भी और वेबसाइट पर भी ताकि जो भी अपडेट हो आपको पता चले टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही होंगे नहीं किया तो जल्द से जल्द यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद